Hello everyone. Today in this video I'm going to discuss about median and altitude. ठीक है, क्या discuss करने वाले हैं? Altitude and median. ठीक है, तो चलिए देखिए start करते हैं. ठीक है, इसको discuss करेंगे and one question भी करेंगे. ठीक है, देखिए क्या है altitude, क्या होता है. The altitude of a triangle is the perpendicular drawn from the vertex of the triangle to the opposite side. ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे हमने क्या कर लिया, ये एक ट्रायंगल ड्रा कर लिया. ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया. ठीक है, नेम दे दीजिए ए बी एंड सी इज ए ट्रायंगल. तो देखिए ये एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल. तो ये वर्टेक्स हो गया ए बी सी. ठीक है, अब किसी एक वर्टेक्स से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे. सपोज दैट यहां से करते हैं तो ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, मींस 90 डिग्री का होगा टू द अपोजिट साइड. मींस अपोजिट साइड में ये ड्रा कर रहे हैं, इस पे ये पॉइंट का नेम दे दिए डी. तो ये क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी ये ए और डी क्या होगा, यहाँ पे एल्टीट्यूड होगा इस ट्रायंगल का. ट्रायंगल डिफरेंट शेप का भी हो सकता है. ठीक है, सपोज दैट ट्रायंगल क्या हो गया, ये ऐसे हो गया. ठीक है, ठीक है, ट्रायंगल का शेप अलग भी हो सकता है, ए बी एंड सी. तो आपको ध्यान देना है कि जिस वर्टेक्स से आप ड्रा करेंगे, ठीक है, वो कैसा होगा, वो परपेंडिकुलर आपको ड्रा करना था. सपोज दैट यहां से कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे. ठीक है, मीन्स 90 डिग्री पे ड्रा करेंगे. ये क्या होगा, ये 90 डिग्री ड्रा करेंगे, ये पॉइंट डी है. ठीक है, तो ये ए बी और डी यहाँ पे क्या है, एल्टीट्यूड है. ठीक है, समझ में आ गया. एल्टीट्यूड हमेशा ड्रा करते हैं, ये परपेंडिकुलर होता है. ठीक है, सीधे होता. बट मीडियम देखिए क्या होता है, अ मीडियम ऑफ अ ट्रायंगल इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड. मीन्स ये क्या करता है, मिड पॉइंट पे ये ज्वाइन करता है अपोजिट साइड की. सपोज दैट हम क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल ये लेते हैं. ठीक है, हमने एग्जाम्पल ये ले लिया, ये ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया. ये तीनों इसके वर्टेक्स है. ठीक है, ये क्या है, तीनों इसके वर्टेक्स है. ठीक है, ए बी एंड सी. तो देखिए आप अगर यहां से ड्रा कर रहे हैं तो ये इसकी अपोजिट साइड हुई, तो ये कहां पे ये ड्रा होगा, तो ये एकदम मिड पॉइंट पे होगा. ठीक है, इसके जो मीडियम होता है ये कहां पे होता है, इसको ज्वाइन करेंगे मिड पॉइंट पे ले जाके. ठीक है ना, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, मींस अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जाकर के ये ज्वाइन होगा. ठीक है, तो ये क्या बोलेंगे, ये सपोज दैट डी बोलेंगे. ठीक है, समझ में आ गया. तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी, ये इक्वल होगी, तो आप इसको क्या बोलेंगे, मीडियन. मीडियन और यहां पर यह क्या है, एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड, ठीक है, ये भी क्या है, एल्टीट्यूड है. बट ट्रायंगल क्या हो सकता है, ये डिफरेंट शेप का हो सकता है. सपोज दैट ट्रायंगल का शेप क्या है, ये वाला हो गया. ठीक है, ये ट्रायंगल का दूसरा शेप हो गया. ठीक है, यहाँ पे तो ये इसका नेम दे दीजिए ए बी एंड सी. अब देखिए इस पॉइंट से क्या ड्रा करना है, मीडियन ड्रा करना है. ठीक है, मीडियन ड्रा करेंगे तो ये अपोजिट साइड होगी, तो इस साइड के जो बीच मिड पॉइंट होगा, सपोज दैट यहाँ पे मिड पॉइंट है. ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे हम लेते हैं ये 20 सेंटीमीटर का है. ठीक है, बी टू सी ये 20 सेंटीमीटर है, तो ये 10 सेंटीमीटर होना चाहिए. ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के भी यहाँ तक 10 सेंटीमीटर होना चाहिए. तो ये जो पॉइंट होगा डी जो होगा ये करेगा, तो ये क्या होगा, ये मीडियन होगा. ठीक है, समझ में आ गया. मीडियन और एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर ड्रॉन होता है, 90 डिग्री पे ये होता है, और जो मीडियन होता है ये क्या होता है, ये अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे ये कट करता है, मीन्स जो अपोजिट साइड को दो बराबर भागों में बांट देता है. ठीक है, इतना समझ में आ गया, एल्टीट्यूड और मीडियन. अब देखिए इससे भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, कि क्वेश्चन ये दे देगा आइसोसेलीज ट्रायंगल में आपको बताना रहेगा कौन सी कंडीशन पे मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों सेम होंगे. ठीक है, तो आप लोग जानते हैं आइसोसेलीज ट्रायंगल क्या होता है, जिस ट्रायंगल में टू साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है. सपोज दैट ये इक्वल है, ये इक्वल है. ठीक है, आइसोसेलीज हो जाएगा. ठीक है, ये ए बी सी हो गया. तो अब देखिए आप यहाँ पे इसको अगर ड्रा कर दें, ये इक्वल पार्ट में आ रहा है. ठीक है, मीन्स ये साइड क्या आ रही है, ये इक्वल है और ये इक्वल आ रही है. ठीक है, साइड सपोज दैट 5 सेंटीमीटर ये आ रही है, 5 सेंटीमीटर ये आ रही है. ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, ठीक है। और अगर 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा तो एल्टीट्यूड भी हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो इस केस में मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है, ये भी समझ गए, ठीक है। अब एक चीज और समझ लीजिए, सपोज दैट ट्रायंगल में बता रहे हैं, ठीक है, सपोज दैट ये ट्रायंगल होता है, ठीक है, इसमें साइड होती है ए बी एंड सी साइड होती है, ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं, अगर टू साइड को हम ऐड करते हैं, सपोज दैट ए बी प्लस क्या करते हैं बी सी, तो ये हमेशा क्या होती है, ग्रेटर होती है थर्ड साइड से। हमने क्या ड्रा किया, ए बी प्लस बी सी, या फिर आप ए सी इसको ऐड कर लें, ठीक है, ए बी और ए सी को ऐड करते हैं तो ये दोनों ग्रेटर होंगी किससे, बी सी से होंगी, ठीक है, क्या होंगी, ये दोनों बी सी से ग्रेटर होंगी। अब देखिए अगर हम माइनस करते हैं, डिफरेंस करते हैं, सपोज दैट ए बी माइनस ए सी, ठीक है, दो साइड का सब्ट्रैक्ट करते हैं तो थर्ड साइड क्या होगी, हमेशा क्या होगी, ग्रेटर होगी इनके डिफरेंस से, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन लर्न करिएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और मीडियन क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, ये समझ गए, ठीक है, और कंडीशन समझ लिए कहाँ पे मीडियन और एल्टीट्यूड सेम होता है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, देखिए क्वेश्चन यही है, ठीक है, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज ग्रे इज लेस देन टू ए सी प्लस बी डी ए बताना है, ठीक है। अब इसको ये आप इस साइड भी लिख सकते हैं, ये वाला जो है आप इस साइड लिख सकते हैं, टू ए सी प्लस बी डी, ओके, टू ए सी प्लस बी डी इज ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ठीक है, ये प्रूव करना है आपको, बताना है। अब देखिए यहाँ पे मैं इसका ये बता दिया हूँ, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है। अब मैंने क्या बताया है कि सपोज दैट कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, कोई एक ट्रायंगल लेते हैं जिसकी साइड ये ए बी एंड सी है। अब ये ट्रायंगल की दो साइड को अगर सम करेंगे, सपोज दैट मैं ये ए बी प्लस क्या करता हूँ ए सी, तो ये हमेशा ग्रेटर होगा किससे, बी सी से होगा, ठीक है, ये याद रखना। अगर दोनों का हम डिफरेंस करते, सपोज दैट ए बी माइनस ए सी करते हैं, तो ये लेस देन होगा इस साइड से, ठीक है, क्या होगा, ये बी सी से लेस होगा। सपोज दैट यहाँ पे आप एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझा देते हैं, फिर ये क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, तो इतना ध्यान रखना। सपोज दैट मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। सपोज दैट ए बी हमारा 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये जो 12 सेंटीमीटर है, और इसको आप ये साइड आपको पता नहीं है, सपोज दैट एक्स ले लेते हो, तो ये वाली जो साइड होगी, ठीक है, ये वाली साइड होगी इनके सम से लेस देन होगी। सपोज दैट इनका सम करेंगे 15 प्लस 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 प्लस 12 27 सेंटीमीटर। तो ये वाली ये जो एक्स होगा ये 27 सेंटीमीटर से लेस होगा। और माइनस अगर करते हैं तो 15 माइनस 12 ओके इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। और 3 सेंटीमीटर से जो एक्स है ये ज्यादा होगा। सिंपली हम क्या कह सकते हैं, ये जो एक्स है, ठीक है, ये किससे ज्यादा होगा, एक्स जो है ये 3 सेंटीमीटर से ग्रेटर होगा, बट लेस देन होगा, लेस देन किससे होगा, ये जो एक्स है ये लेस देन होगा 27 सेंटीमीटर से, ठीक है, जो एक्स है 3 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा और कम किससे होगा, 27 सेंटीमीटर से। तो ये समझ गए, तो ये कंडीशन ये लर्न रखनी है, ठीक है। अब चलिए आते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है, इसको इरेज कर दें, फिर क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। चलिए अब देखिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको हम क्या ले लेते हैं, ओ पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं पहले ट्रायंगल में ए ओ बी में, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल को टच करते हैं पहला, ये ए हो गया, ओ हो गया, ये बी में हो गया, ठीक है। अब देखिए ये साइड और ये साइड को ऐड करते हैं, ये क्या होगा, ए बी से ग्रेटर होगा, ठीक है। इस ट्रायंगल में देखते हैं फर्स्ट में ए ओ प्लस है, क्या दिया गया, ए ओ प्लस है ओ बी इज ग्रेटर देन ए बी हो जाएगा, ठीक है, इज ग्रेटर देन ए बी हो जाएगा, फर्स्ट है, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। सेकंड ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, सेकंड कौन सा हो जाएगा, ये ट्रायंगल हमने ले लिया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये ओ हो गया, तो यहाँ पे क्या है, ये ओ बी है, ठीक है, ओ बी लिख सकते हैं या फिर बी ओ भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओ बी प्लस है ओ सी इज ग्रेटर देन सी बी, ठीक है, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। थर्ड ये वाला हो जाएगा, इस ट्रायंगल को देखिए, ये ट्रायंगल ये ऐसे बना, ये डी है, ये सी है, ये ओ है, ठीक है, फिर इसको ऐड करिए ओ सी प्लस ओ डी,
दो साइड का सम करने पे ये थर्ड साइड से ग्रेटर आता है DC, दिस इज इक्वेशन थर्ड। एंड लास्ट ये वाला बचा है, ठीक है, इसको यहाँ पे ये ले लीजिए, ठीक है, ये O है, ये D है और ये A है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, OD प्लस OA, ठीक है, ग्रेटर देन DA, ये हो जाएगा फोर्थ इक्वेशन, ठीक है, ये फोर इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो फोर इक्वेशन है, ठीक है, इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। नाउ हियर यहां पे आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, नाउ ऐड इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, वी गेट ए, सबको देखो ऐड करेंगे, ये वाले साइड को एक साइड ऐड करेंगे, ठीक है, जो ग्रेटर देन है इसको एक साइड और जो लेस देन है इसको एक साइड ऐड करेंगे, ठीक है। तो पहले ऐड कर लीजिए, देखिए क्या है, AO प्लस OB, सेकंड में क्या है OB प्लस OC, ठीक है, फिर थर्ड क्या है OC प्लस OD, ठीक है, फिर इसमें क्या है OD प्लस OA, OD प्लस OA, ठीक है, इतना ये हो गया, ठीक है। अब चलिए उस साइड का देखते हैं, ठीक है, उस साइड देखिए AB CB DC एंड DA है, इज ए ग्रेटर देन AB प्लस CB, या फिर आप इसको CB की जगह BC लिख सकते हैं, ठीक है, ये जो CB लिखे हैं BC हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा CD लिख सकते हैं, ठीक है, इसको क्या लिखिए प्लस CD एंड इसको क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे DA, ठीक है, प्लस D एंड A, ठीक है, इसको एक साइड लिख दिए हम और इसको क्या कर दिए, इसको एक साइड लिख दिए, ठीक। अब देखिए ऐड करिए, देखिए AO और यहाँ पे AO है, ठीक है, तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2AO हो जाएगा, ठीक, प्लस OB एंड OB 2OB, ठीक, प्लस OC एंड OC 2OC, प्लस OD एंड OD 2O D is greater than, और ये सब क्या आ जाएंगे आपके ऐसे ही उतर जाएंगे, AB plus BC plus CD plus ये DA आ जाएंगे, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए ये AO है, ये OB है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जो है AO plus OC, ठीक है, ये जो AC है हमारा क्या है AO plus OC है, ठीक है, तो एक लाइन और यहाँ पे लिख लीजिए AO plus क्या है OC यहाँ पे, ठीक है, देखिए यहाँ पे कहाँ पे बता दे, हाँ यहाँ पे लिख लीजिए, चूंकि कर यहाँ पे ऐसे करके लिख लीजिएगा कॉर्नर में, AO प्लस OC क्या है, AO प्लस OC इज इक्वल टू AC, ठीक है, देखिए यहाँ पे AO प्लस OC ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू AC हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे DO प्लस OB, दूसरा क्या है DO प्लस OB, ठीक है, या फिर आप क्या कह सकते हैं OD प्लस OB, ठीक है, OD plus OB is equal to DB, ठीक है, और क्या है OD plus OB is equal to DB, ठीक है, ये यहां से दिख रहा हमको, ये यहां से ये गीवन है, ठीक है, ये दोनों देखिए ये क्या है, ये गीवन दिया गया है, ठीक है, यहां पे क्या लिख लेंगे गीवन लिख लेंगे, ठीक है, ये दोनों क्या है, ये गीवन है, गीवन इन क्वाड्रिलेटरल, ओके। तो अब देखिए ये AO है और ये OC है, इसको एक साइड करते हैं, इसको और इसको, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2AO plus 2OC एक साइड कर लिया, ठीक है, और देखिए क्या है यहाँ पे 2OB plus 2OD, ठीक है, प्लस 2OB, OB ये है प्लस 2OD एक साइड कर लिया, ठीक है, और ये ग्रेटर देन का साइन लगा करके ये जो है ये पीछे ये लिख देंगे AB प्लस ये। अब देखिए 2 कॉमन है, 2 को हम कॉमन ले ले रहे हैं, ठीक है, सब में 2 कॉमन, 2 कॉमन हो जाएगा, नाउ AO प्लस OC प्लस OB प्लस OD, ठीक है, इज ग्रेटर देन क्या है यहाँ पे दिया गया है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये क्या हो जाएगा AO plus OC and OB plus OC, यहाँ पे देखिए बताए AO plus OC is equal to AC and OB plus OD is equal to DB, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं 2AC plus DB is greater than
ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो ये देखिए क्या है, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है, ये प्रूव करना था, ठीक है। टू ए सी प्लस है, ये बी डी या डी बी, आप इसको इधर भी लिख सकते हैं, इसको इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उनका मीनिंग क्या होगा, ये सेम होगा, बट यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा, यहाँ से हमने ये इसको एओ प्लस ओ सी की जगह पे ये क्या लिख दिया है, ए सी लिख दिया, ठीक है, ये यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये जो प्रॉब्लम थी, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट करिएगा, उसको बताएंगे, ओके, थैंक यू।